न्यूज टुडे नेटवर्क उत्तराखंड का भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल। नमस्कार, न्यूज टुडे नेटवर्क के उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस खास बुलेटिन में हम आपको देवभूमि की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी हेडलाइन से। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सजा सीएम धामी का जनता दरबार, दर्जनों लोगों की समस्याओं का हुआ समाधान। पर्यटकों के लिए नैनीताल पुलिस ने लागू किया नया ट्रैफिक प्लान, अब चेक पोस्ट पर पर्यटकों को सौंपे जाएंगे उनके रूट मैप। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अभिनव कुमार बने मुख्यमंत्री के अपर प्रमुख सचिव, शासन ने जारी किए आदेश। हल्दचौड़ में बच्चों के लिए खुला अटल उत्कृष्ट विद्यालय, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने किया शुभारंभ। कैंपटी फॉल घूमने जाने वाले पर्यटकों के लिए प्रशासन ने बदले नियम, अब आधा घंटा ही कर सकेंगे फॉल में मस्ती। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, 12 जुलाई तक दी प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में बड़ा दाखिला का समय, अब 20 जुलाई तक कर सकते हैं ऑनलाइन एडमिशन। बॉलीवुड फिल्म में नजर आएंगी हल्द्वानी की सिद्धि शाह, अभिनेता जिमी शेरगिल के साथ किया काम। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 120 जूनियर सहायक पदों पर निकाली भर्ती, 15 अगस्त तक करें ऑनलाइन आवेदन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने जनता की समस्याओं को दूर करने का कार्य शुरू कर दिया है। सीएम पद पर आते ही पहली बार उन्होंने जन समस्याओं को सुना। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, आर्थिक सहायता से संबंधित समस्याएं उनके सामने रखी, जिस पर सीएम धामी ने सभी समस्याओं का जल्द निदान करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही जनता से जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील भी की। मुख्यमंत्री ने अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान सीएम धामी ने रोजगार, महिला सशक्तिकरण एवं उत्तराखंड के ग्रामीण विकास पर राज्य सरकार का विशेष फोकस होने की बात कही। खबर नैनीताल पुलिस के नए ट्रैफिक प्लान की। नैनीताल जिले में वीकेंड में हजारों पर्यटकों की आवाजाही को नजर में रखते हुए पुलिस नया ट्रैफिक प्लान लागू करने की तैयारी में है, जिसके तहत नैनीताल जिले में प्रवेश करने वाले सभी चेक पोस्ट पर चेकिंग कर केवल उन्हीं पर्यटकों को जिले में एंट्री दी जाएगी जिनके पास कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत रजिस्ट्रेशन होगा। इसके अलावा जिस भी पर्यटक को नैनीताल सहित अन्य टूरिस्ट इलाके में जाना होगा, उनके वाहनों पर स्टिकर लगा दिया जाएगा जिससे उनका रूट निर्धारित हो सके। SP ट्रैफिक देवेंद्र पिंचा की माने तो पिछले वीकेंड में पर्यटकों की भीड़ के चलते बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर ये प्लान तैयार किया गया है। खबर उत्तराखंड शासन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पद संभालने के बाद ही लगातार नौकरशाही में बदलाव के साथ तेजी से काम करने वाले अधिकारियों को तवज्जो दिए जाने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में अब वरिष्ठ IPS अधिकारी अभिनव कुमार को मुख्यमंत्री का अपर प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। शासन ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। खबर अटल उत्कृष्ट विद्यालय के शुभारंभ की। अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में चयनित राजकीय इंटर कॉलेज हल्दचौड़ का शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शुभारंभ कर दिया है। इस मौके पर उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि नीति आयोग के सर्वे में उत्कृष्ट शिक्षा देने की दिशा में उत्तराखंड राज्य चौथे पायदान पर है, वहीं अब सरकार का लक्ष्य प्रथम रैंक हासिल करने का है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में चयनित 170 से ज्यादा अटल उत्कृष्ट विद्यालय निर्धन परिवार के बच्चों के विकास में बेहद सहायक सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि अटल विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज हल्दचौड़ भी शिक्षा की गुणवत्ता के लिए जाना जाएगा। विद्यालय को CBSE बोर्ड की मान्यता मिल चुकी है। खबर कैंपटी फॉल में पर्यटकों के लिए बनाए गए नियमों की। कोरोना कर्फ्यू में छूट मिलते ही उत्तराखंड के पर्यटन स्थल कैंपटी फॉल में पर्यटकों का भारी जमावाड़ा लगना शुरू हो गया है, जिस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान भी लिया था। वही पर्यटकों की लगातार बढ़ती संख्या के बाद अब टिहरी DM ने कैंपटी फॉल में नहाने के कुछ नियम जारी कर दिए हैं, जिसके तहत एक बार में केवल 50 पर्यटक ही फॉल में नहाने का आनंद ले सकेंगे। इसके लिए आधे घंटे का समय भी निर्धारित कर दिया गया है। आधे घंटे के बाद पर्यटकों को हुटर की आवाज से सचेत किया जाएगा। इसके लिए DM आशीष श्रीवास्तव ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और धनौल्टी के उप जिलाधिकारियों को कैंपटी फॉल आने वाले पर्यटकों की निगरानी करने के आदेश दिए हैं। खबर उत्तराखंड मौसम विभाग की।
उत्तराखंड मौसम विभाग ने 12 जुलाई तक राज्य के विभिन्न जिलों में भारी बरसात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग द्वारा नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने के साथ भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा 10 जुलाई को राज्य के देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों में तीव्र बौछार के साथ भारी बारिश होने की भी संभावना है। इसी के साथ ही 12 जुलाई को उत्तरकाशी, देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, चंपावत जिलों में भारी बरसात का अनुमान है। खबर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए शीतकालीन सत्र में किसी भी कारण से प्रवेश लेने से वंचित छात्रों को 20 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन प्रवेश की अनुमति दे दी है। विश्वविद्यालय के कुलपति ने यह निर्णय कोरोना काल को देखते हुए विशेष परिस्थितियों में छात्र हित में लिया है। उन्होंने कहा कि छात्र जो विश्वविद्यालय से शीतकालीन सत्र में किसी भी पाठ्यक्रम के द्वितीय सेमेस्टर में किसी भी कारण प्रवेश नहीं ले पाए हैं, वे 20 जुलाई तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन प्रवेश ले सकते हैं। खबर बॉलीवुड फिल्म कॉलर बम की। देवभूमि ने बॉलीवुड को कई बड़े कलाकार दिए हैं, फिर चाहे बात छोटे पर्दे की हो या बड़े पर्दे की। राज्य से सैकड़ों एक्टर माया नगरी मुंबई में अपने हुनर से लोगों का दिल जीत रहे हैं। वहीं अब हल्द्वानी की सिद्धि भी इस रास्ते निकल पड़ी है। सिद्धि को बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता जिमी शेरगिल के साथ एक फिल्म में काम करने का मौका मिला है। कॉलर बम नामक इस फिल्म की शूटिंग पिछले साल अक्टूबर दिसंबर में नैनीताल, शिमला, मुंबई में पूरी हुई। फिल्म गुरुवार रात हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है। काडूदाम के सेंट थेरेसा स्कूल की 11वीं की छात्रा सिद्धि फिल्म को लेकर काफी उत्साहित है। उन्होंने फिल्म में कॉलेज गर्ल नव्या का रोल निभाया है। आपको बता दें कि इस फिल्म में जिमी शेरगिल पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभा रहे हैं। खबर ऑयल इंडिया लिमिटेड में भर्ती की। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 120 जूनियर सहायक पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 अगस्त रखी गई है। इस भर्ती के लिए 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस सरकारी नौकरी में कंप्यूटर आधारित परीक्षण, पूर्व रोजगार चिकित्सा परीक्षा में प्रदर्शन के अनुसार कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। वेतनमान नियमानुसार रहेगा। आवेदन के लिए जनरल ओबीसी उम्मीदवारों को ₹200 जबकि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को कोई आवेदन शुल्क नहीं चुकाना होगा। अभी आवेदन के लिए आप स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।